राहुल गांधी की ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस को जोड़ने या बीजेपी के खिलाफ अपने आप को मजबूत करने के लिए नहीं है। विपक्ष के सामने कांग्रेस को एक बार फिर ज्यादा बड़े और ताकतवर विकल्प के तौर पर रखने के लिए भी है। इस लिहाज से भी भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखी जा रही है, क्योंकि एक के बाद एक कई विपक्षी राजनीतिक दल अब राहुल गांधी की इस यात्रा का समर्थन करते दिखाई दे रहे हैं। आरजेडी के विषय में हमने आपको एक विस्तृत रिपोर्ट दिखाई है कि कैसे राहुल गांधी या कांग्रेस भी अब कई विपक्षी दलों को आमंत्रित कर रही है। लालू प्रसाद यादव का हमेशा सोनिया गांधी जी के लिए या कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रहा है। नीतीश कुमार या उनकी पार्टी पहले ही कह चुकी है कि कांग्रेस के बिना अगले कोई बड़ा मोर्चा बनाने का विकल्प हो ही नहीं सकता, ख्वाब में भी नहीं सोचा जा सकता है। लेकिन अब एक और बड़ा नाम इस कड़ी में जुड़ गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर शरद पवार ने भी एक प्रतिक्रिया दी है और पहली बार उनकी यह बड़ी प्रतिक्रिया आई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होंने संकेत दिया कि आगामी लोकसभा चुनाव में विपक्षी एकता का आकार लेने पर कांग्रेस को शामिल करने के खिलाफ नहीं है। पवार महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में पत्रकारों से मुखातिब थे। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा जैसी बड़ी पदयात्राओं का राजनीतिक प्रभाव पड़ता है और लोग ऐसे कार्यक्रमों का ईमानदारी से स्वागत करते हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या भारत जोड़ो यात्रा का आने वाले दिनों में राजनीति पर असर पड़ेगा, पवार ने कहा कि जब इतनी बड़ी यात्राएं की जाती हैं तो उपयोगी साबित होती ही हैं। शरद पवार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं महाराष्ट्र के, और अगर पूरे महाराष्ट्र और देश की सियासत को देखा जाए तो शरद पवार को चाणक्य के तौर पर भी जाना जाता है। वो रणनीतिकार भी हैं, लिहाजा ये भी माना जा रहा है कि कांग्रेस की उपयोगिता, जिसके विषय में वो पहले से भी कहते रहे हैं, उसके प्रति वो आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं। इस यात्रा के बाद उन्होंने याद किया जब पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने इसी तरह की पदयात्रा की थी तो उसे ज़बरदस्त प्रतिक्रिया मिली थी, रिस्पॉन्स मिला था। मैंने भी किसानों के लिए जलगांव से नागपुर मार्च निकाला था। उन्होंने कहा कि जब उनकी यात्रा उत्तरी महाराष्ट्र के जलगांव से शुरू हुई थी तब उसमें करीब 5,000 लोग शामिल हुए थे और बुलढाणा में संख्या 50,000 और पूर्वी महाराष्ट्र के अकोला और अमरावती पहुंचने पर 1,00,000 से ज्यादा हो गई थी। पवार ने कहा मार्च पूरे राज्य की राजनीति को बदलने के लिए उपयोगी साबित हुआ। कन्याकुमारी से 7 सितंबर को कश्मीर के लिए शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा पर पवार ने कहा कांग्रेस द्वारा शुरू की गई इस पदयात्रा की पार्टी और व्यक्ति राहुल गांधी के लिए उपयोगिता से कोई इनकार नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि लोग ऐसे कार्यक्रमों का स्वागत करते हैं यदि वो बहुत लगन से आयोजित किए जाते हैं। तो पूछे जाने पर कि क्या 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष का संयुक्त चेहरा कोई होगा और क्या विपक्षी दल एक साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे, पवार ने कहा कि भविष्य की किसी व्यवस्था के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। उन्होंने कहा हर कोई चाहता है कि कुछ किया जाना चाहिए लेकिन हम किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं। चर्चा की जा रही है कि हाल ही में नीतीश कुमार मेरे पास आए थे, इसी विषय पर चर्चा हुई थी। दूसरे दिन तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने मुझसे मुलाकात की थी और उन्होंने भी यही रुख रखा। केरल और तमिलनाडु के नेताओं ने भी इसी तरह की राय रखी लेकिन अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस विपक्षी एकता में बाधा बन रही है, एनसीपी प्रमुख पवार ने कहा कि कुछ लोगों का मानना है कि उसे विपक्षी गुट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा हालांकि मेरी राय है कि किसी को दूसरे को शामिल किए जाने का विरोध करने का रुख नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शरद पवार इस वक्त वो व्यक्ति दिखाई देते हैं जिनके इर्द गिर्द विपक्षी एकता लामबंद हो सकती है। वो सबसे सीनियर नेता हैं, उनकी रणनीति नीति का सभी सम्मान करते हैं। नीतीश कुमार ममता बनर्जी दोनों के बारे में खुद शरद पवार ने जिक्र किया है। अरविंद केजरीवाल एक और बड़ी ताकत दिखाई देते हैं लेकिन वो कभी भी इस पूरे गठबंधन या विपक्षी खेमे के इर्द गिर्द नहीं दिखाई देते। उनका रुख क्या होगा ये 2024 में बहुत महत्वपूर्ण होगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल की अपनी अलग राजनीति है, वो किसी समीकरण में नहीं जाना चाहते हैं, खासतौर पर तब जबकि कांग्रेस कहीं पर दिखाई दे रही हो, क्योंकि कांग्रेस के खात्मे से ही उनकी पार्टी बड़ी होती है। गुजरात में उनका मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी दोनों से है, खासतौर पर कांग्रेस जहां जहां पर कमजोर होगी वहां पर उनकी ताकत बढ़ेगी या वो बीजेपी को बड़ी टक्कर दे पाएंगे। लिहाजा इससे पहले गुजरात विधानसभा चुनाव से पहले वो ऐसी किसी रणनीति में शामिल नहीं होंगे।
ममता बनर्जी की भी कुछ यही कहानी है। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से आज अधीर रंजन चौधरी तक कह गए हैं कि ममता बनर्जी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी से मिली हुई हैं या उनके बारे में जिस तरह की टिप्पणी की, वो भी मैं आपके सामने नहीं रख सकता हूं, लेकिन उनका ये बयान काफ़ी चर्चित हुआ और इस बयान से स्पष्ट हो गया कि कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में किस तरह की दूरियाँ हैं। सोनिया गांधी और ममता बनर्जी के बीच में भी कभी नज़दीकियाँ देखने को नहीं मिली और ये पुराना अलगाव है। जब ममता बनर्जी ने कांग्रेस छोड़ी थी तभी से उनकी ये नाराज़गियाँ बरकरार है, लेकिन सियासत का खेल है, इसमें कौन को कब किसके साथ चला जाए कहना बड़ा मुश्किल होता है। अब बात करें अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव दो ध्रुवों पर बात करते हैं, कहते हैं हमारे नेता ममता बनर्जी और शरद पवार है। शरद पवार ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया, ममता बनर्जी भी शरद पवार से मुलाकात करी, तो लिहाजा ऐसे में यदि शरद पवार को धुरी माना जाए तो बहुत मुमकिन है कि वो एक मोर्चा बनाने में कामयाब हो जाए। हालांकि विपक्ष के चेहरे को लेकर उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया कि अभी इस पर कोई विचार नहीं हुआ है, लेकिन ये बड़ी उपयोगी यात्रा है जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं और हर यात्रा का बड़ा फायदा होता है, लिहाजा राहुल गांधी की इस भारत जोड़ो यात्रा का भी बड़ा फायदा निकल सकता है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।